हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयु क्राफ्ट वर्ल्ड एंड वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी आयु क्राफ्ट वर्ल्ड के नाम से। सो गाइस, हमें कैंडी रैप बॉक्स बनाने के लिए आज कुछ चीज़ें चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमें चाहिए एक येलो चार्ट पेपर। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लैक पतला वाला मार्कर लिया है। देन एक फेविकोल, रेड कलर का पेन चाहिए एंड सीजर चाहिए। तो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम ये येलो चार्ट पेपर को ऐसे बीच में से मोड़ लेंगे अच्छे से, इस तरीके से। उसके बाद गाइज, यहाँ पे मैं एक रूलर लूँगी। रूलर की हेल्प से मैं इस चार्ट पेपर को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। देखिए, यहाँ पे मैं डैश डैश करके दो लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ, आप भी सिमिलरली यही कीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो डैश डैश करके लाइन्स ड्रॉ कर ली। ये देखिए, ये तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब मैं यहाँ पे अपने मनपसंद कार्टून फिगर्स ड्रॉ करूँगी। आप भी अपने मनपसंद कोई भी कार्टून फिगर्स यहाँ पे बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये देखिए, इस तरीके से मैं मार्कर की हेल्प से यहाँ पे बना लूँगी और यहाँ पे कुछ हार्ट्स बना लूँगी फिगर के ऊपर या आस पास। इस तरीके से बहुत ईजीली ये कार्टून फिगर्स बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे तीनों साइड पे ये कार्टून फिगर्स बना लूँगी। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सारे फिगर्स बन गए हैं। और जो मैंने ये हार्ट्स बनाए हैं छोटे छोटे, यहाँ पे मैं रेड कलर से अंदर फिल कर लूँगी। ये देखिए, अब हम सीज़र लेंगे और कुछ इस तरीके से काटेंगे। ऊपर की साइड से हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, आप भी सिमिलरली इसी तरीके से इसे कट कीजिएगा। बड़ी ही इजीली ये ऐसे कट हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने कट करके रेडी कर लिया इसे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक और स्काई ब्लू कलर का चार्ट पेपर लिया था, उसका भी सेम ऐसे ही बना लिया है कैंडी रैप। तो यहाँ पे ये देखिए, अब हम इसे येलो वाले चार्ट पेपर को इस तरीके से कुछ खोलेंगे। और यहाँ पे खोलने के बाद अब हम इसे फेविकोल से स्टिक करेंगे। स्टिक किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे ये जो कट्स लगे हैं दोनों साइड पे, पहले इनके बीच में फेविकोल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अच्छे से फेविकोल लगा लेंगे और फिर दोनों साइड्स पर लगा लेंगे फेविकोल। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर फेविकोल लगा लिया है। अब गाइस, फेविकोल लगाने के बाद हम इसे फिंगर की हेल्प से कुछ इस तरीके से जहाँ जहाँ फेविकोल लगाया था वहाँ पे प्रेस कर लेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक जाए। सो गाइस, यहाँ पे देखिए, ये मेरे दोनों रैप मैंने तैयार कर लिए हैं बिल्कुल। अब हम कुछ कैंडीज़ लेंगे, मैंने अपने पसंद के लिए, आप कुछ भी डाल के दे सकते हैं। सो इस तरीके से अंदर डालने के बाद हम इसे ऊपर से सील करेंगे। सील करने के लिए गाइस, हम फेविकोल का यूज़ करेंगे अगेन। सो ऊपर की साइड पर आप फेविकोल लगाएँ कुछ इस तरीके से, और फेविकोल को लगाने के बाद आप इसे ऊपर से फिंगर से प्रेस कर दें, तो ये अच्छे तरीके से सील हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे कैंडी रैप बॉक्स बिल्कुल तैयार है। तो आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आप सबको कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।